Vaseem, Arshdeep is becoming, a more polished bowler operator with every game. आज भी एक बड़ा important over उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ दो रन दिए, दो wickets भी नहीं हैं. That was perhaps a changing the turning point for this game. India में इसको social media पे उड़ाया गया है, but he said I'm not bothered. ये attitude बड़ा जरूरी है. Credit goes to the management as well. Yeah, कि they backed him. Even credit goes to the captain also. Okay, they backed him. उसको पता है कि यार ये हमारा बंदा है, इससे मार भी पड़ेगी. Well done यार, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हिंदुस्तान की टीम नहीं हीरा है. डिसिप्लिन बॉलिंग किया हर्षदीप सिंह ने. कामरान अकमल घंटे गए तो उस दिन कह रहा था ना कि 12 बजे सिंह ओवर नहीं देते, वो ये शराबे पीते हैं, ये जो 12 बजे के बाद ये तो शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. वो तेरे अबू हर्षदीप ने 4 विकेट ली. लोग कह रहे थे इंडिया की बॉलिंग ना हर्षदीप की वजह से बहुत वीक है. भाई वो हर्षदीप को देखो यार, वो उसका आप स्विंग देखो, उसका आप सीम देखो यार. इंडिया वालों ने तो इनको क्रिकेट सिखाई है. ये लोग कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले दुश्मन के बच्चों का मुकाबला तो कर लो, फिर आके दुश्मन के बच्चों को पढ़ा भी लेना. ये होती है सैम घंटे नो लुक शॉट यार. उसको इस तरह से इंडिया का हराना काबिले दीद है, काबिले लायक, और ये सीखना चाहिए हमको यार. जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली है, हम पाटा विकेटों पे 150 160 150 वो मुश्किल विकेट पे यार. इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक किसी बंदे ने जो सबसे ज्यादा बेस्ट बॉलिंग किया ना वो हर्षदीप सिंह ने किया है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पर अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है. अगर कप्तान की इंटेंट देखो ना, रोहित शर्मा की इंटेंट देखो, क्या वो क्या सोच रहा था? वो यही कह रहा था ना यार कि मैंने किसी और इंटेंट के साथ खेलना है. तो वो देख ले, वो नजर आ रही थी उसकी उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखने उसकी टीम की, तो उनकी टर्न नजर आ रही थी. आज कैसा लगा जीता हुआ मैच हिंदुस्तान को देख के? जल रही है ना. वेल डन यार हिंदुस्तान, वेल डन वेल डन. क्या टीम है, आज फखर है मेरे को. इस टीम इंडिया की सीजन, टीम इंडिया है मैच्योर सीजन, टीम इंडिया है जिसको वर्ल्ड कप खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. इंडिया ना वो ट्रक बन चुका है जिसकी ब्रेकें फेल है, T20 वर्ल्ड कप में फाड़ता हुआ फाइनल तक जा रहा है. जो टीमें छोटी टीम से या अपने से छोटी टीम से हारती है ना, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है भाई, ऐसे जीता जाता है छोटी टीमों से. अर्शदीप ने क्या बॉलिंग किया यार, इतना बड़ा स्पिन. अर्शदीप इज बिकमिंग अ मोर पॉलिश बॉलर ऑपरेटर विद एवरी गेम. आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ दो रन दिए, दो विकेट्स भी नहीं. एंड दैट वाज परहैप्स अ चेंजिंग द टर्निंग पॉइंट फॉर दिस गेम. या इट वाज, ही हैज गॉट 9 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, द मोस्ट बाय एनीवन इन सुपर 12. और उसका टैलेंट मैंने वकार ने तो एशिया कप में देखा. डिसिप्लिन बॉलिंग किया हर्षदीप सिंह ने. कामरान अकमल घंटे गए तो उस दिन कह रहा था ना 12 बजे सिंह ओवर नहीं देते, वो ये शराबे पीते हैं, ये जो 12 बजे के बाद ये तो शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. वो तेरे अबू हर्षदीप ने 4 विकेट ली हैं और रन से पता है कितने दिए हैं? 9. वो तेरे शहीन लंगड़े की तरह ना 50 रन नहीं दिए, या टेपिया की तरह 50 रन नहीं दिए, वो 9 रन दे के 4 विकेट लेके आ रहा है तेरा अबू हर्षदीप सिंह. जो उस बंदे ने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है, मतलब पूरे टूर्नामेंट में मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकता हूं, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक किसी बंदे ने जो सबसे ज्यादा बेस्ट बॉलिंग किया ना वो हर्षदीप सिंह ने किया है. T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर सबसे ज्यादा मैच जीतकर सबसे हाईएस्ट रन रेट के साथ इंडियन टीम सबसे टॉप पर है. आज का मैच यूएसए को हराने के बाद इंडिया ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखते हुए स्ट्राइक रेट को मजीद बेहतर कर लिया. लेकिन आज का मैच जो खेला गया उसी ग्राउंड में था जहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच था. कहा यह जा रहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो टीम मैच जीतेगी, यानी कि जो टीम पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करवाएगी और बाद में चेजअप करेगी तो काफी इशू होगा. लेकिन इंडियन टीम ने यह बात साबित कर दी कि वो चाहे पहले बॉलिंग करें या चाहे वो करे बैटिंग, इंडियन टीम सबसे पहले जीत सकती है. इंडियन टीम ने आज पहले बॉलिंग की और बाद में चेजअप किया, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा था कि जो चेज करेगा वही जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान टीम चेज करते हुए नाकाम हो गई थी. लेकिन आज के मैच में बासानी चेज कर लिया इंडिया टीम ने. आगाज में इंडिया का ओपनिंग स्टार्ट टूटा, लेकिन उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ये दो खिलाड़ी खड़े हो गए और इन दो खिलाड़ियों ने शरीर नहीं खेली. ऋषभ पंत के जाने के बाद शिवम दुबे आ गए और ग्रीस पर डटे रहे, तब तक डटे रहे जब तक टीम मैच नहीं जीती. लेकिन आज के मैच में हर्षदीप सिंह ने कमाल विकेट निकाली है. 4 ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन देकर 4 शिकार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है एक यंग बॉलर के लिए. शुएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान टीम के अंदर शहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, ये 4 वो बॉलर जो T20 ODI टेस्ट हर फॉर्मेट खेलते हैं, जबकि इसके बाद हर्षदीप वो खिलाड़ी है जो जस्ट T20 फॉर्मेट खेलता है, कोई भी और फॉर्मेट नहीं खेलता. लेकिन इसके बावजूद जब भी ये खिलाड़ी T20 फॉर्मेट खेलता है तो T20 में अपनी धाक बिठा देता है. 3 मैचेस के अंदर हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, बहुत भारी विकेट निकाल रहे हैं. आज के मैच में 4 ओवर 9 रन देकर
सिर्फ चार विकेट निकाले, चार ओवर के अंदर बहुत बड़ी बात है, जो कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर निकालने में नाकाम रहे। वसीम अकरम कहना है इंडियन की बैटिंग लाइनअप तो उनकी ताकत थी, लेकिन 20वीं सदी के अंदर 2024 के अंदर इंडियन टीम की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है वो है उनकी बेस्ट बॉलिंग, और यही बेस्ट बॉलिंग इंडियन टीम को अनबीटेबल बनाती है। अरजीत सिंह ने जिस तरह इस पिच को क्रैक किया है, हाउ टू बोल ऑन दिस पिच, यू नीड टू बोल शॉर्ट पिच डिलीवरीज, यू नीड डिसिप्लिन इन योर लाइन एंड लेंथ, एंड दैट हैज बीन एन एब्सोल्यूट वंडर। और साथ में जब टीम इतनी फ्लेट अप हुई भी होती है, हम यहाँ बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं बैठ के मीडिया बॉक्स के अंदर, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट एनवायरमेंट एंड अ करेक्टर सेटिंग स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रोड्यूसिंग बाय टीम इंडिया ऑल अक्रॉस the playing 11, क्योंकि हर एक की जो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड वो हमें नजर आ रही होती है। टीवी में आपको सर्टन एंगल्स दिखाई जा रहे होते हैं, लेकिन जितनी पम्प्ड अप एनर्जी, हालांकि यूएसए के खिलाफ मैं जाती तौर पे समझता था, मैं रिजवान हैदर से भी बात कर रहा था, देखो आज अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास, एक तो बैट फर्स्ट कर सकता था, वहां बैट फर्स्ट करके तगड़े रन लगा के चलो, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू प्ले इट सेफ के जी ग्रुप स्टेज खत्म करते हैं, आगे की प्लानिंग सोचते हैं। पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह नहीं खेला गया था, आज यूएसए ने बेहतर खेला पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह को। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं अली, इस टाइम यूएसए ने कनेक्टेड नहीं है, अब कनेक्टेड है, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। करें ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, चले वो लोग बता देंगे बाद में। लेकिन अली साहब अगर आप बात करें तो जिस तरह से आज यूएसए ने स्ट्रगल किया इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन कमाल है भाई, इंडिया की बॉलिंग एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वही नंबर वन है। बात अगर की जाए अशदीप सिंह की, भाई वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल था अशदीप सिंह, चार ओवर 9 रन, 4 खिलाड़ी आउट किया अशदीप ने, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करके रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को, बहुत कमाल बॉलिंग किया, 2 विकेट ले ली थी उन्होंने, बहुत कमाल बोलिंग किया भाई, लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली आज हमें भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, और जो हम चाह रहे थे, देखो हमें एक्सपेक्टेड है, हम बात नहीं करते कि इंडिया की बोलिंग, लेकिन इंडिया की बोलिंग अगर आप इस पूरे वर्ल्ड कप में देखो ऐसा यूनिट, इवन ऐसा फास्ट बोलिंग अगर आप यूनिट देखो, तो इनकी बोलिंग इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट बोलिंग आपको